सो यहाँ पे पूरी बन के रेडी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती कुचर ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार और टाइम हो रहा है अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो आज मम्मी और भैया जाएंगे डायलिसिस के लिए, तो खाना वाना सब बन गया है। 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उनका डायलिसिस होता है, तो 11 बजे निकल जाएंगे। अभी 10 मिनट बाकी है। तो थोड़ा जो सुबह जो जाते थे हम, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होता था डायलिसिस, उसके बाद जो पाइप सब निकालते निकालते थोड़ा टाइम हो जाता है, 12:30 हो जाता है, तो थोड़ा लेट में जाने से भी चलता है। 12:30 के बीच में पहुंचने से भी अच्छा है, ठीक टाइम में पहुंच जाएंगे। मतलब 11 या तो 11:30 बजे से निकलने से भी आधा घंटा, मतलब 45 मिनट में पहुंच जाते हैं झारसुगुड़ा। तो भैया तो ड्यूटी गए हैं, जल्दी से आने के बाद वो भी निकलेंगे। खाना भी नहीं खाए हैं, आने के बाद तो खाना खाएंगे। मम्मी तो अभी खाना नहीं खाए हैं, नहा रहे हैं, आने के बाद खाना खाएंगे। उनका सब बैग जो है मैंने पैक्ड कर दिया है, वाटर बोतल भरना है, पानी भरना है, भूल गई हूँ मैं, और ग्लूकोन डी वगैरह सब कुछ मैंने भर लिया है। इंजेक्शन, आज इंजेक्शन नहीं है, अभी तो वेनेसडे को हमारा डायलिसिस होता है, मतलब मम्मी का डायलिसिस होता है। तो हर वेनेसडे को हम अभी इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कि ब्लड इंजेक्शन, आपको तो पता है, मैंने वीडियो सब में दिखाया है। तो अभी मम्मी आ जाए, उसके बाद उनको खाना दूंगी। फिर आते आते 6 बज जाता है। भैया का अगर ऑफिस का काम होता है तो मम्मी का डायलिसिस ख़त्म होने के बाद वहीं से करते करते आते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है, 6 भी बज जाता है। और आज तो चर्च भी जा नहीं पाऊँगी, और चर्च मतलब अभी जुगली के लिए जो है सिंगिंग प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस, बहुत कुछ है। जब जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, चर्च जाऊँगी तब प्रैक्टिस टाइम में, तो कल ही जाना होगा क्योंकि आज तो जा नहीं पाऊँगी। मम्मी बहुत लेट में आएंगे, तो घर पे अगर कोई नहीं होंगे तो घर को भी ऐसे खुला छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि देखे हो आपने, मतलब बहुत सारा मुर्गी है, वो लोग उस मतलब मुर्गी को भी अंदर घुसाना होता है, तो कोई भी नहीं होगा तो कैसे नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा। तो मम्मी जल्दी से आ जाए, अभी देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आ रहा है। चले जा, बाहर चलते हैं, मम्मी को थोड़ा बुलाते हैं, उनके ऊपर में थोड़ा चिल्लाते हैं जोर से, तभी उनको दिमाग का बत्ती जलेगा, आप जल्दी से आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भैया और मामी निकल चुके हैं डायलिसिस के लिए, तो आज स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अभी नहीं मिल रहा है। अभी शाम का वक्त है और अभी मम्मी और भैया का डायलिसिस से वापस आने का टाइम हो भी गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या बताऊँ, आज स्कूटी में भी गए हुए हैं, तो अगर कार लिए होते तो अभी तक पहुँच चुके होते, लेकिन आज तो कार भी नहीं लेके गए हैं और स्कूटी में, मतलब बारिश नहीं छूटने तक तो नहीं आ सकते। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है बारिश हो रहा है, हमारा आंगन तो पूरा थोड़ा थोड़ा जो है बारिश हो रहा है। आंगन बहुत गंदा है क्योंकि बहुत जोरों का आंधी तूफान आ रहा था, और उसके बाद अभी बारिश स्टार्ट हो गया, झाड़ू मारने का मतलब चांस ही नहीं मिला। सो गाइस, अभी जितना भी यहाँ पे मैला था सब कुछ मैंने छाता लगा के झाड़ू लगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैला दिख रहा था और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता मैला, तो इसीलिए मैंने छाता लगाते हुए झाड़ू मारा। पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि छाता लगा के कोई मतलब झाड़ू लगाया होगा अपने घर का। तो क्या करें, वक्त आने पर सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी तक तो बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, पता नहीं मम्मी और भैया कब तक आएंगे, तो अब तक पहुँचेंगे मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है और लाइट भी नहीं है घर पे, पता नहीं कब तक। तो फ्रेंड्स, मम्मी और भैया आ गए हैं और पूरा बारिश में थोड़ा मोड़ा भींग भी के आए हैं, मैं तो उनके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ कि इतना जल्दी आने का क्या था, मतलब बारिश थोड़ी छूट जाता उसके बाद आते तो अच्छा होता, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए मास्क और जो भी कुछ लिया था, स्टॉल सब कुछ वेयर करके आ गए। और अभी तो ठंडी लग रही है मम्मी और भैया का, तो अभी स्वेटर भी पहन लिया और मफलर भी ओढ़ लिया, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे लिए क्या स्नैक्स लाई है दिखाती हूँ, ये देखिए पिकनिक भी है, मतलब ये कुरकुरे का नाम। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ,
सो फ्रेंड्स, अभी बारी है डिनर बनाने का और आज हमारे घर में डिनर में क्या बनने वाला है आपको दिखाते हैं। सो ये देख सकते हैं, मैंने आटा का डो बना लिया है और इधर प्रेशर कुकर में चना आलू को मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया था। ये हो चुका है पूरा, तो इससे तो आप अनुमान कर सकते हैं कि आज हमारे घर में क्या बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में बनेगा पूरी और चना आलू का सब्जी बनेगा। सो कोई अक्वाइजन या तो कोई फेस्टिवल होने से हम सिर्फ नहीं बनाते हैं चना और पूरी, हमारा जब मन करता है तब खाने का, जब मन करता है तब बना लेते हैं। तो पापा का खाने का मन कर रहा था पूरी और चना, मतलब चना आलू का सब्जी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना डालें। तो अभी मैंने डो तो बना दिया है, उसको रख देती हूँ कवर करके। अभी पहले इसको बना लेती हूँ, चना आलू का सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद जाके पूरी बेलूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, चना आलू पहले चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा तरकारी रेडी हो चुका है चना आलू का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है चना आलू का तरकारी, और इसके साथ साथ सोयाबीन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारे घर में तो अभी नहीं है, मैं सोच रही हूँ कल चर्च जाऊँगी, कल तो संडे है, कल चर्च जाऊँगी। उस टाइम चना आलू तरकारी तो बन गया है, तो अभी सिर्फ पूरियाँ तलनी बाकी है। लेकिन उससे पहले अभी हम शाम की प्रार्थना कर लेते हैं, 7 तो ऑलरेडी हो गया, 7:30 होने को है, तो उससे पहले हम प्रेयर कर लेते हैं इवनिंग प्रेयर, उसके बाद हम पूरियाँ तलेंगे और गरम गरम खाएंगे। अभी तक पापा ड्यूटी से नहीं आए हैं, पापा के आने के बाद हम पूरी तलेंगे, मतलब प्रेयर ख़त्म होने के बाद तल लेंगे, अदरवाइज पापा आने के बाद लेट हो जाएगा। तो चलते हैं प्रेयर कर लेते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा डिनर रेडी हो चुका है और आपको दिखाते हैं, चलिए। सो यहाँ पे पूरी बन के रेडी हो चुका है। मिर्चा नहीं डालना है, डाल हूँ। तो फ्रेंड्स, डिनर तो हो चुका है और आज मैं मम्मी के पास सोऊंगी। यहाँ पे मेरा बेड लगा दिया है, वैसे तो मम्मी के पास मैं सो सकती हूँ, लेकिन उनका जो वो कंबल है नीचे वाला वो सुकड़ गया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो बेड, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना अलग से कंबल, मतलब बेड लगाई हूँ, देख सकते हैं। और कल संडे भी है, तो कल चर्च भी जाना है, जल्दी से उठना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।